स्वस्थ रहने के लिए हमेशा अच्छा खाना और व्यायाम जरूरी है। इसका एक जीता जागता उदाहरण रामलाल चौधरी, जिन्होंने 95 वर्ष की उम्र में भी बिना रुके बिना थके 10 किलोमीटर की दौड़ लगाई। दरअसल वर्ल्ड स्क्वाट डे के उपलक्ष्य में आम जनता को जागरूक करने के लिए मैराथन का आयोजन किया गया। मैराथन में 5 और 10 किलोमीटर की दौड़ में युवाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान डॉक्टरों ने आम जनता को स्ट्रोक से बचने के लिए हमेशा स्वस्थ रहने की सलाह दी। तो मैराथन में भाग लेने वाले रामलाल चौधरी ने युवाओं को स्वस्थ रहने के लिए हमेशा व्यायाम करने की नसीहत दी। वर्ल्ड स्ट्रोक डे जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 29 अक्टूबर को मनाया जाता है, उस उपलक्ष्य में मनाया गया है। हमने संडे का दिन चुना, 24 तारीख चुनी। इसका उद्देश्य था लोगों को स्ट्रोक के बारे में अवेयरनेस करना, उनको बताना कि क्या कारण होते हैं स्ट्रोक आने के, उन कारणों को हम समय पर सुधार लें। ये हमारा कोशिश है लोगों तक पहुँचे इसकी इंफॉर्मेशन, और टाइम की इम्पोर्टेंस हम लोगों ने इसमें खास करके बताया कि इस तरह के पेशेंट जितना जल्दी हमारे पास समय से पहुंचेंगे उतने अच्छे रिजल्ट रहते हैं। खान पीन मानुष का गुण खान पीन है। अरे बूढ़े गिलासों के पानी में नहीं उबरेगे जिंदगानी में, लाखों को मरता देखा है बंद बोतल के पानी में है। तो बोतल मत पियो, दूध पियो, ढाप करके अपना आप मजबूत रहोगे। मारी 94 साल की उम्र है, पूरी होने वाले 93 लागन वाली। मारी माँ 106 साल की हुई है। बचपन से दौड़ता हूँ मैं, पहले सर्कल में काम करता था, फिर बस अभी 100 साल तक दौड़ता रहूँगा, 100 साल तक चाहे खींचे हो। 21 किलोमीटर की दौड़ करी है 3 घंटा का माइन, 21 किलोमीटर अभी करिए डेगाना का माइन है।